नमस्कार, मैं आशा न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी के दौरान दक्षिण अंडमान की वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को बंद कर दिया गया था, उसे 9 अगस्त को फिर से शुरू कर दिया गया। हमारे पोर्टवेयर के संवाददाता अखिल ने वाटर स्पोर्ट टूरिस्ट फाइबर बोट एसोसिएशन के मेंबर बालाजी से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि अबरडीन के वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के फिर से शुरू होने से वे कितने खुश है और वे इस विषय पर क्या कहना चाह रहे हैं। बालाजी ने वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को फिर से शुरू करने की अनुमति देने पर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद दिया और साथ ही वहां आए टूरिस्ट को भी वाटर स्पोर्ट टूरिस्ट फाइबर बोट एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद दिया। आइए देखते हैं बालाजी ने हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहा। नमस्कार, आज हम लोग आए हुए वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ओर पे, जहाँ पे काफ़ी दिनों के बाद आज सारे बोट ऑपरेटर्स खुश हैं और इस वजह से यहाँ पर आज की बोट की सारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे की सर्विसेज को रिज्यूम करा गया है। आइए हम चलते हैं, मिलते हैं बालाजी से, जो कि एक एसोसिएशन के मेंबर है, देखते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। सर नमस्कार। सर आप को बहुत बहुत मुबारक हो। सर आपके सारे एसोसिएशन मेंबर को बहुत बहुत मुबारक हो। सर काफ़ी मुसीबत के झेलने के बाद आपकी आज ये बोट की सारी सर्विसेज आप ने शुरू करवाया है, तो सर आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? सबसे पहले तो आपका न्यूज़ चैनल को मैं बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट हो, सारा एजेंट्स को पता चले और सभी गेस्ट को पता चले कि दोबारा से जो है वाटर स्पोर्ट्स जो है एक्टिविटीज अबरडीन का शुरू हो गया है। मैं वाटर स्पोर्ट्स टूरिस्ट फाइबर बोट ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से जितने भी टूरिस्ट आए हैं, आप देख सकते हैं कि आज से शुरू हो रहा है, उनका मैं स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने एक स्टार्टअप दिया है हमारे हमको और हमको एक जोश दिया है कि हमको भी एक भरोसा आ गया है। और इसका कारण जो पूरा का पूरा मैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को मैं देना चाहूँगा, क्योंकि उनका वजह से जो है चीफ सेक्रेटरी साहब, एलजी साहब और स्पेशली डीसी साहब, उनका जो कंटिन्यूसली जो उनका जो देख रेख में ही जो हम लोग भी मिल रहे थे, सभी एमपी साहब हो गए और बाकी जो बीजेपी के जो लोग, उन लोग भी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन लोग भी जो है सभी लोग जो इसमें लगे पड़े थे और उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और दोबारा से जितने भी गेस्ट आए हैं उनको मैं स्वागत करता हूँ एसोसिएशन की तरफ से और ये आश्वासन देता हूँ कि हम आपका स्वागत के लिए हाजिर है, आप लोग आइएगा, हमें बूस्ट करिएगा। सर अभी जैसे कि जितने फ्लाइट्स के टिकट्स के महंगे हो रहे हैं, तो इस विषय पर जो है उस कारण काफ़ी सारे गेस्ट आने की बुकिंग्स तो आ रही है, लेकिन उस चीज़ पे वो रिटर्न नहीं कर पा रहे क्योंकि टिकट्स के रेट इतने महंगे होने के बावजूद हाँ वो यहाँ पर आके कैसे अपना टाइम निकाल पाएंगे, उस चीज़ पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक टिकट्स की बात है वो तो एयरलाइंस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है और एयरलाइंस कंपनी का क्या कहना है कि जब तक ये वेरियंट जो थर्ड वेव जो अभी बोल रहे हैं जो स्टार्ट हो गया ना, तो उन लोग क्या बोल रहे हैं कि वो जैसे कम होगा उस हिसाब से हम करेंगे। फिर भी हमारा एसोसिएशन की तरफ से भी हम लोग कंटिन्यूसली टच में है एडमिनिस्ट्रेशन से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आश्वासन मिला है कि हम सिचुएशन को देख के आस्ते आस्ते जो है उसको परमिशन देंगे। बात तो आपका सही है कि जब तक टिकट्स का रेट नहीं गिरेंगे तब तक गेस्ट भी नहीं आएंगे, तो हम आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं कि रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसको लेकर थोड़ा सा कुछ स्टेप्स आप लीजिएगा। ज़रूर सर, ज़रूर। ये थे बालाजी हमारे साथ जुड़े हुए थे, इनका एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन से ये जो बहुत ही ज़्यादा खुश है और इनको इस तरह से सर्विसेज देना शुरू कर चुके हैं। रॉस बन जाएगा बस भवन, एक लाइफ गार्ड को भेज दूसरा। आइए देखते हैं कि कप्तान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और हमें क्या किस प्रकार की मदद मिल सकते हैं। मैं कैमरामैन के साथ अखिल छाबरा, आप तक। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।